चलिए इसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा यकृत। क्या है यकृत? यकृत जो है मैंने बताया लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम साबित होता है, एमआरएज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, जो भोजन में मिश्रित होता है और जिसके द्वारा मिश्रित होकर भोजन पहुंच जाता है अमाशय में। और अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको जठर रस कहते हैं, पेप्सिन और म्यूकस का स्राव होता है और यहाँ बाद भोजन जो है पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत के यदि हम बात करते हैं तो छोटी आंत की छोटी आंत लंबाई में बड़ी है लेकिन इसका नाम क्या है, छोटी आंत। क्यों? क्योंकि यह क्या है, पतली होती है। कैसी होती है? पतली। जबकि बड़ी आंत जो है मोटी होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 मीटर के आसपास होती है और बड़ी आंत जो है 2 से 2.5 से 3 मीटर के आसपास की होती है। बात समझे ना? तो छोटी आंत में जैसे ही भोजन पहुंचता है तो यहाँ पर यकृत जो है, यकृत संकुचनशील होकर जो है पित्तरस को, इधर देखिए यकृत क्या करता है, संकुचनशील होके पित्ताशय को क्या करता है, उत्तेजित करता है, जिससे पित्ताशय से पित्तरस जो है कहां पहुंच जाता है, छोटी आंत में। पित्तरस वसा का पाचन करता है, किसका, वसा का पाचन, और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस का स्राव होता है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस का स्राव होता है जो छोटी आंत में पहुंचकर जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। बात समझे? पित्तरस से, पित्ताशय से पित्तरस का स्राव होता है। यकृत क्या करता है, यकृत यानी लिवर यह करता क्या है, यह पित्ताशय को जो है क्या करता है, उत्तेजित करता है, जिससे पित्ताशय से पित्तरस निकलकर जो है कहां पहुंच जाता है, छोटी आंत में भोजन के साथ, भोजन के पास। और अग्न्याशय जो है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी दीवारें जो है अग्न्याशयी रस का स्राव करती हैं, जिसके द्वारा जो यह भी पहुंच जाता है छोटी आंत में। बात समझे? यहां पर अग्न्याशयी रस जो है प्रोटीन के पाचन के लिए गया है और पित्तरस जो है किसके पाचन के लिए गया है, वसा के पाचन के लिए गया है। बात समझे? लेकिन छोटी आंत में अपना अपना भी खुद का जो है मेनली जो पाचन होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों का पाचन जो है छोटी आंत में ही होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का पाचन जो है कहाँ होता है, छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। ठीक ना? छोटी आंत में इन तीनों का पाचन होता है। देखिए छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में इन तीनों का पाचन होता है और जब पाचन होता है तो इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। लिखेंगे यहां पर जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है छोटी आंत में किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में। इसका पाचन होकर ग्लूकोज में बदल जाता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। और प्रोटीन, इसमें प्रोटीन जो है, प्रोटीन, प्रोटीन जो है इसमें, प्रोटीन किसमें बदल जाती है, एमिनो एसिड में। किसमें? एमिनो एसिड में। और क्या बचा, वसा, वसा बोले, वसा जो है, वसा फैटी एसिड, फैटी एसिड, वसा फैटी एसिड या ग्लिसराल में बदल जाती है। मैं ये बात फिर से सुनिएगा, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 मीटर के आसपास होती है, भोजन के अधिक मात्रा का जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में जब भोजन पहुंचता है तो यकृत जो है पित्ताशय को क्या करता है, उत्तेजित करता है, जिससे पित्तरस का स्राव होता है और यह छोटी आंत में पहुंच जाता है। और अग्न्याशय से अग्न्याशय रस का स्राव होता है, यह भी छोटी आंत में पहुंच जाता है। पित्तरस जो है किसके, किसके, वसा के पाचन में सहायक होता है। और जो है अग्न्याशय प्रोटीन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। आप समझते हैं? तो जब छोटी आंत में भोजन पहुंचा तो तीन चीजों का पाचन यहाँ पे हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। यहाँ पे जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन होकर ग्लूकोज में बदल गया,
और जो प्रोटीन है उसका पाचन होके कहाँ पहुंच गया, एमिनो एसिड में, और जो वसा है वह कहाँ पहुंच गया, फैटी एसिड में। कहाँ पहुंचा, फैटी एसिड में। बात समझ में आई, कहाँ पहुंचा, फैटी एसिड में या ग्लिसराल में। ये पच गया यानी कार्बोहाइड्रेट क्या ग्लूकोज में बदल गया, प्रोटीन क्या एमिनो एसिड में बदल गया, प्रोटीन एमिनो एसिड में, और वसा जो है कहा फैटी एसिड या ग्लिसराल में। यहाँ ये छोटी आंत में टूट के क्या हो गए, इनका डाइजेशन हो गया, इनका पाचन हो गया। अब बदलते हैं, अब यहाँ से भोजन जो है पच चुका, ये जो है रक्त के केशिकाओं द्वारा जो है रक्त में चले जाते हैं, जो भी इसमें हमने भोजन से जो भी निकाला है। अब जो बचा खुचा भोजन है जिसमें मात्र जल बची हुई है वह पहुंच जाता कहां पर, बड़ी आंत में। कहां पहुंचता है, बड़ी आंत में। भोजन का कोई पाचन नहीं होता है बड़ी आंत में, केवल क्या होता है, पचे हुए भोजन में जितनी भी जल की आंशिक मात्रा होती है उसमें जल का अवशोषण हो जाता है। जल का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, और जल का अवशोषण के भोजन पूरी तरह से क्या होता है, अपशिष्ट भोजन बन जाता है। जल का अवशोषण के बाद वो सूखा हो जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में सही से बाहर निकाल दिया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में सही से बाहर निकाल दिया जाता है गुदा द्वार के द्वारा। बात समझ गए, तो फिर से मैं एक बार दोहराता हूं, फास्टली इसको रिविजन करते हैं, देखते हैं। यहां से आप भोजन को लिया, लाल में उपस्थित लाल एंजाइम इसको एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, और टैलिन एंजाइम इसमें लाल में स्थित करते हैं, इसके माध्यम से ग्रास नली से होता है भोजन पहुंचता है अमाशय में। अमाशय में तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले हमको मिलता है जठर रस जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद दूसरा क्या मिलता है, जठर रस के बाद पेप्सिन, उसके बाद म्यूकस। जठर रस के चार कार्य मैंने बता दिए, भोजन का, भोजन को सड़ने से बचाना और हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह को मारना, उसके बाद जो भोजन को अम्लीय बनाना, और सबसे बड़ा कार्य क्या होता है उसके बाद पेप्सिन को सक्रिय करना। पेप्सिन का कार्य प्रोटीन का पाचन करना, यानी अमाशय में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, जठर रस से जो है अमाशय की दीवारों को क्षति होने से म्यूकस क्या कर लेता है, बचा लेता है। मेरी बात समझ गए ना। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ग्रंथियों पर, तो ग्लैंड्स पर, तो यकृत ग्रंथि क्या करती है, पित्ताशय को जो है उत्तेजित करती है, जिससे पित्तरस का स्राव होता है। भोजन जब छोटी आंत में पहुंच जाता है तो छोटी आंत में क्या होता है, जो है वसा के पाचन के लिए पित्तरस क्या करता है, सहायता करता है। उसके बाद जो अग्न्याशय है, क्या है, अग्न्याशय, अग्न्याशय से किसका, अग्न्याशय से क्या निकलता है, अग्न्याशय रस, जो कि प्रोटीन के, जो कि छोटी आंत में पहुंचता है जहां पे प्रोटीन का क्या होता है, पाचन होता है। अग्न्याशय पत्ती क्या करता होता ना, उसके बाद जो है छोटी आंत में ही जो है मेनली छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का क्या होता है, पाचन होता है। इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में पचकर बदल जाता है, और प्रोटीन जो है टूट कर एमिनो एसिड बदल जाता है, और वसा जो है फैटी एसिड में बदल जाता है। यहाँ पे भोजन का पाचन हो जाता है, और भोजन जो है रक्त की केशिकाओं द्वारा रक्त में जाकर मिश्रित हो जाता है अपने अपने कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के अनुसार। और जो बचता है अपशिष्ट भोजन जिसमें मात्र केवल जल की आंशिक मात्रा होती है वह बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत की दीवारें जल को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, सोख लेती हैं, और अपशिष्ट जो है, अपशिष्ट भोजन जो है या अपशिष्ट पदार्थ जो है गुदा द्वार के द्वारा क्या कहता है, सही से बाहर निकाल दिया जाता है। यही संपूर्ण पाचन है। बोलिए, पाचन टॉपिक समझ में आया, डाइजेशन टॉपिक समझ में आया, ये दो तीन खंडों में वीडियो हो गया, लेकिन पूरे के पूरे प्रयास किया गया कि इसमें आपको पाचन समझा दिया जाए। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत अच्छे। आज क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है, धन्यवाद।